2 4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है यहाँ आगरा में। तो आपके यहाँ पे कैसी ठंड पड़ रही है बताइएगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सभी बताइएगा ज़रूर। आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो वेदर दिखाऊँ, बिल्कुल धूप नहीं है, कोहरा निकला हुआ है, बिल्कुल मतलब ठंड आ गई है। और मैं तो उनमें से हूँ जिसको ठंडी ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे ये डंडा रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर आ जाते हैं, और फिर बंदर आते हैं ना तो फिर वो यहाँ पे मैं हमने धनिया उगा रखा है, धनिया को खा जाते हैं। तो ये डंडा ना इतना लंबा है कि धनिया तक चला जाता है, तो इसलिए इस डंडे को यहाँ पे रखा हुआ है जिससे हम बंदरों को भगा पाएँ। और बाहर निकल के मुझसे तो भगाया नहीं जाता, हर्षित तो तब भी भगा लेता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं भगता है। भगते हैं बंदर, मुझे देखकर तो वो और ज़्यादा खी खी करते हैं। तो ये बोल रहे थे तू खुद बंदर ही है ना, तो वो तेरे को खी खी करते हैं। कोई बात नहीं है, चलो आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक्चुअली मेरे पास आना आलू आए थे, मैंने आपको दिखाए थे ना, तो उसके अंदर ना छोटे छोटे आलू भी बहुत सारे हैं। बड़े बड़े आलू जो थे उनको तो सब्जी में काम में ले लिया, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे से आलू हैं, इनको क्या तो काटूँ और क्या तो मैं इनको छीलूँ। तो खैर मैंने इनको छील लिया है और धोकर के अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद में मैंने इसे फ्राई कर लिया इनको तेल में। आलू की सब्ज़ी ही बना रही हूँ लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था जिसमें मैंने जीरा डाला, और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद में टमाटरों को भून लूँगी, और साथ में मैं यहाँ पर ये मसाला मैंने तैयार किया था। मसाले के अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, इन सबको डाला था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इस मसाले को अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए मसाला जब ऑयल सेपरेट करने लग जाएगा तो उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। इन आलू को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना छेद कर दिए हैं आलू के अंदर, फोक से कर सकते हैं या नाइफ से भी कर सकते हैं, जिससे मसाला जो है वो अंदर की तरफ भी चला जाए इसलिए। और जब मसाला अच्छे से आलू के साथ में ना हो जाएगा तो उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो मैं थोड़ी सी गाढ़ी सी सब्ज़ी रखूँगी, ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप अगर थोड़ी पतली करना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए मतलब। और यहाँ पर मैंने जो है दही डाला था। दोस्तों आप लोगों ने मेरे वेडिंग वाले ब्लॉग को काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स दिए, और हम उसे कह रहे थे उन ट्रैक्टर जा रहा है, तो आप मुझे कह रहे थे उस वीडियो में कमेंट्स में कि मैं मेकअप का वो दिखाऊं। तो आपने नोटिस नहीं करा मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था, और इनफैक्ट मैंने अभी भी कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। और ना मैं जब शादी में जाती हूँ ना तो ये वाली क्रीम है फेयर लवली बीबी क्रीम, ये लगा करके जाती हूँ बस, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। फेस पाउडर लगा लेती हूँ उसके ऊपर क्योंकि ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है ना इसलिए। और डेली में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं बस बादाम का ऑयल होता है ना वो लगाती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। हाँ मैं बिंदी है वो मैं सिंपली ये वाली बिंदी लगा लेती हूँ कहीं जाती हूँ तो, और सिंपल बिंदी ही अच्छी लगती है। और क्योंकि मेरी थ्रेडिंग है ना थोड़ी हल्की है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी बिंदी जो होती है ना उस पर ध्यान देना पड़ता है। और जो साड़ी पहनी होती है जैसे थोड़ा सा पिंक कलर है या कुछ मिलता जुलता सा थोड़ा बहुत, ज़्यादातर मेरे पास लाल कलर, पिंक कलर और ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है, तो इन्हीं को मैं करती हूँ यूज़ में, तो बस इतना ही मैं मेकअप करती हूँ। हाँ मैं ये जो थोड़ा सा ज्वेलरी में ध्यान दे लेती हूँ, तो इस तरह से मैं मेकअप करती हूँ। मैं ऐसे कुछ मेकअप नहीं करती हूँ कि आई शेडो लगा रही हूँ या आई लाइनर लगा रही हूँ, काजल लगाती हूँ, काजल के बिना मेरी आँखें छोटी छोटी सी लगती हैं इसीलिए। तो ये था अपडेट। और यहाँ पर सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है, ऊपर से मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी के साथ में जिससे सब्ज़ी के अंदर कसूरी मेथी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। दही जरूर डालिएगा, दही से आलू की सब्ज़ी जो होती है ना उसमें टेस्ट एक अलग ही लेवल का हो जाता है। और सब्ज़ी कुछ इस तरह से दिख रही थी और काफ़ी अच्छी बनी थी।
आज एक्चुअली इस डब्बे को धोया था मैंने, तो खाली हो गया था, तो मैंने सोचा चलो धो लेते हैं। चीनी भी ख़त्म। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग किसकी शादी में गए थे, तो हम लोग हैं ना जिसकी शादी में गए थे ना, वो एक्चुअली हमारे सामने ही रहते हैं, उनकी शादी में हम लोग गए थे। तो कोई रिलेशन में शादी नहीं थी, लेकिन नेबर्स होते हैं ना, वो भी कोई रिलेटिव से कम नहीं होते हैं। कहाँ से अनबॉक्सिंग करूँ? अनबॉक्सिंग कर सकते? अनबॉक्सिंग नहीं करनी, बस ऐसे ही बोल खोल दे, यहाँ से नहीं, यहाँ से कर। आज हर्षित एक्साइटेड है। पापा आ गए बाजार से? नहीं। तू उठा लिया ऐसे पापा से? बाबा ला, मैं खोलूँ, तू हटा। हर्षित की एक्साइटमेंट देखिए, एक्साइटमेंट कितना खुश हो रहा है। और ये वंशु, वंशु को कितनी खुशी हो रही है। चलो ये ऐसा डब्बे में वो तो अभी रुक गया। जो पहले था ना वैसा सेम टू सेम वैसा ही मंगाया, क्योंकि हर्षित का हाथ बैठा हुआ था ना, इसलिए वैसा की वैसा सेम टू सेम वैसा ही मंगाया। इसमें बस थोड़े से फंक्शन थोड़े से ज्यादा रहेंगे, लेकिन सेम मतलब कीज जो होती है ना, वो कीज उतनी मंगाई है। थोड़ा दूर। तो हर्षित के लिए आ गया है प्यानो, प्यानो, प्यानो। पापा भी रेडी आ चुके हैं। दिखाते भी नहीं है। मैं गया था। शाम हो चुकी है दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं यहाँ पे देखकर समझ ही गए होगे क्या बनाने वाली हूँ। आलू का भुर्ता बना रही हूँ और आलू के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, जिसके अंदर मैंने डाला है हल्दी नहीं डाली, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, अदरक डाली है, हरी मिर्ची डाली है, सौंफ डाली है, गर्म मसाला डाला है और कसूरी मेथी डाली है, साथ में हरा धनिया। और बस इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और मैं किसी मैशर वैशर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही मैश करती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और भुर्ता मेरा तैयार हो गया है, मैं दिखाती हूँ हर्षित को। हर्षित क्या कर रहा है? वो बजा रहा है पियानो। हर्षित अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको करने देते हैं। एक्चुअली पहले जो था ना उसके ऊपर इसका हाथ बैठा हुआ था, इसलिए हमने सेम टू सेम वही वाला लिया, क्योंकि अभी छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है। फिर अगर इसको ज़्यादा आगे भी शौक रहेगा तो फिर आगे बड़ा दिला देंगे और अच्छा दिला देंगे। अभी फिलहाल तो जिस पे वो प्रैक्टिस करता है उस पे कर रहा है। ये कौन सी ट्यून बजा रहा है आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने पहचाना या नहीं पहचाना, है ना। और कान के मैंने इसलिए उतार रखे, उस दिन मैं शादी में गई थी तो मैंने पहन लिए थे हैवी हैवी से, तो कान का छेद है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था। इस कान का नहीं होता है, इस कान का तो छोटा सा ही रहता है, लेकिन इस कान में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा हो गया है। तो इसका मैं थोड़ा सा है ना, इसलिए मैंने उतार दिया है। एक दो दिन रहेंगे ना ऐसे तो सही हो जाएंगे। अब ठीक है, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई जिससे चेहरे पर रौनक आ जाए। तो ऐसे हो रही हूँ, देखो बाल है ना मैंने कल के धुले हुए, मैंने अब तक भी ना बनाए नहीं। मैं ऐसे ही हूँ, मतलब चलता रहता है मेरा कि चल रहे हैं बाल, कोई बात नहीं। सोचा था दिन में बनाऊंगी, फिर मैं बनाए नहीं, सो गई मैं, तो रह रहे। तो चलिए भुर्ता वगैरह बना दिया है, आटा भी लगा दिया है। आप कोई खाएगा तभी सेकेंगे, क्योंकि पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगेंगे। तो आटा मैंने लगा लिया है, और आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं भरूंगी ये भुर्ता। तो ये मैंने बना लिया है भुर्ता, और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ तैयारी।
बारे में आप लोग काफी पूछते हो, तो इसका लिंक दिया रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैंने हर्षित के लिए प्लेट लगा दी, ये चटनी है, रायता और पराठा। अगर सुबह का टाइम होता ना तो मैं दही रखती, दही से हर्षित को पराठे बहुत अच्छे। तो अभी जो गरम गरम पराठे खाए ना, उससे ज़्यादा है ना सुबह के टाइम खाने में पराठे बहुत ही यम्मी लगते हैं, और इनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इन्हें गरम से ज़्यादा ठंडे पराठे अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने मुझसे पराठे सिखवा के रखे हैं सुबह के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग जो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप सभी को पता ही है क्या करना है, आपको एक थम्स अप देना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपको सजेशन देना हो या बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। Oh, 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 oh